राज ठाकरे को पेश कर फरमान है मुजफ्फरपुर की अदालत का। छठ पूजा को लेकर राज ठाकरे के बयान पर अदालत ने मुंबई पुलिस को यह निर्देश जारी किया है। ये छठ पूजा कहाँ से शुरू हुआ, ये नया नाटक? महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, इसके साथ ही आपको रहना पड़ेगा अगर रहना है तो। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलना राज ठाकरे की आदत है। राज ठाकरे ने हर मौके पर उत्तर भारतीयों पर निशाना साधा है, लेकिन राज को उनके जहरीले बोल महंगे पड़ सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत ने आदेश दिया है कि राज को 2 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाए। ये पूरा मामला 30 जनवरी 2008 का है। मुंबई में राज ठाकरे ने छठ पूजा को लेकर ऐसी बातें कही थी जिन पर बिहार में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। उसी के खिलाफ सुधीर कुमार ओझा नाम के वकील ने मुजफ्फरपुर की अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन जब कई तारीखें पढ़ने के बावजूद राज ठाकरे अदालत में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। अब मुंबई पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार करके 2 नवंबर को अदालत में पेश करेगी, यानी उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलने वाले राज को अब बिहार आना ही पड़ेगा। रितेश अनुपम, मुजफ्फरपुर आज तक।